हेलो, ये मेरा पहला वीडियो है अबाउट 3ds मैक्स बेसिक्स पार्ट वन है। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारा लोग हैं जो लोग घर बैठे कुछ सीखना चाहते हैं, 3D वगैरह घर बनाना चाहते हैं, अपना इंटीरियर खुद से डेकोरेटिंग करना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। उसके लिए हम उन लोगों के लिए सिर्फ ये सब पार्ट बनाऊंगा। ये हमारा पहले वीडियो है और उसके बाद में बहुत सारा पार्ट आएगा। जैसे आप लोग आसानी से घर बैठे ही 3D कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी है। तो आज हम बताएंगे 3ds Max Basics। तो बेसिकली ये 3D सॉफ्टवेयर है। 3D सॉफ्टवेयर यानी कि ये तो लैपटॉप तो 2D है, 2D सरफेस में हम लोग 3D देख पाते हैं। यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मतलब हाइट ऐड होता है, ठीक है, डेप्थ। तो हर एक सॉफ्टवेयर का एक मेनू बार होता है, ये मेनू बार और ये है इसका कमांड पैनल। ओके, कमांड पैनल में है क्रिएट, मॉडिफाई, हायरार्की, मोशन, डिस्प्ले, यूटिलिटीज। ओके, इसको हम बोलते हैं एक एक व्यू पोर्ट और ये होता है हमारा व्यू क्यूब। ओके, तो ये टॉप है, लेफ्ट है, पर्सपेक्टिव, फ्रंट। व्यू क्यूब पकड़ के आप ऐसे लेफ्ट क्लिक करके आप घुमा सकते हो। क्रिएट में अगर जाएंगे हम, इधर हमारा स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के अंदर हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है वो दिया हुआ है, बॉक्स, पेयर, सिलेंडर, टोरस, टीपॉट, मतलब ये सब ज़्यादा लगता है, बॉक्स, पेयर, सिलेंडर और इधर प्लेन। तो हम बॉक्स एक लेंगे, कोई भी चीज़ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसका टॉप में जाएंगे, टॉप में जाके ऐसे ड्रैग करेंगे और इसको लेफ्ट क्लिक छोड़ के और इसको उठाएंगे, फिर से लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक कर देंगे। अगर वी पुट बढ़ाना है तो हम माउस का कर्सर रख के ऑल डब्ल्यू प्रेस करेंगे और अगर हमको हैंड टूल चाहिए तो मिडिल क्लिक करके हमको ड्रैग करना है। ओके, मिडिल क्लिक करके ड्रैग करने से हमारा हैंड टूल आएगा और घुमाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट मिडिल क्लिक। ओके, ऑल्ट मिडिल क्लिक से घूमेगा, कोई भी व्यू से होगा, लेफ्ट एंड टॉप, फ्रंट। लेफ्ट का शॉर्टकट है L, फ्रंट का F, बॉटम का B और राइट का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इधर दिया हुआ है, इधर आप क्लिक करोगे तो सभी है। इधर राइट क्लिक करने से राइट आ जाएगा और अगर दूसरा एक तरीका है वी प्रेस करने से सब वी पर इधर दिखाई देगा, ठीक है। इस यहाँ पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो। तो बेसिकली ये इसका कुछ लेंथ, विथ और हाइट है। तो ये देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। मॉडिफाई में जाके इसका लेंथ है, विथ है, हाइट है और इसका सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स मतलब सपोर्ट, ठीक है, जिसका सेगमेंट्स जितना ज़्यादा होगा फाइल उतना हैवी होगा और मतलब ज़रूरी के हिसाब, प्राइजन के अनुसार सेगमेंट्स को देना, जहाँ ज़्यादा लगेगा उधर जहाँ ज़्यादा दो। और जहाँ कम लगेगा उधर कम दो। ये लेंथ है, ये मीटर में दिया हुआ है, आप लोग इसको लिख के भी दे सकते हो आपका डिजाइन के अनुसार, प्राइजन के अनुसार। ओके, अब हमारा है मूव, रोटेट और स्केल। ये तीनों टूल्स जो है बगल में दिया हुआ है, ये मूव, ये रोटेट, ये स्केल, ठीक है। स्केल का तीन भर मूड होता है, ज़्यादातर यही यूज़ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम सब मोड ऑन रहता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई जेड तीनों एक साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को इंडिविजुअली स्केल कर सकते हैं। ओके, पहले जाते हैं मूव टूल में। मूव टूल में हम ऐसे क्लिक किया, शॉर्टकट है W,
डबल प्रेस करके ये देखो रेड वाला एक्स एक्सिस, ग्रीन वाला हुआ एक्स एंड ब्लू वाला जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम अगर हम ड्रैग करेंगे तो एक्स एक्सिस में ही जाएगा, वाई में ड्रैग करेंगे तो वाई में ही जाएगा, जेड में करेंगे तो जेड में जाएगा। क्लियर। अगर अब हम इसका रोटेशन करना चाहते हैं तो इसको रोटेशन को ऑन करके इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे। ओके, कोई भी एक्सिस में ये डिग्री वैल्यू आएगा, इधर दिखाई दे रहा है ऊपर। ये है स्केल। स्केल को थोड़ा पहले पहले एवॉइड करना चाहिए क्योंकि स्केल करने से उसका मॉडिफाई में जो वैल्यू दे है, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट का, वो चेंज नहीं होता है, वो जो पहले से इनबिल्ट है वो ही रह जाता है। ठीक है, जो लोग पहले सीख रहे हो उसके लिए हम बोलूँगा कि स्केल को पहले थोड़ा एवॉइड करो। हाँ, जहाँ ज़रूरी है उधर यूज़ करना, मतलब पहले बेसिक्स कुछ बनाने के लिए दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, एक्स वाई जेड पकड़ के आप ये कर सकते हो, व्यू पॉइंट बड़ा करने के लिए ऑल डब्ल्यू। ओके, अगर हम एक स्पेयर बनना चाहेंगे तो अच्छे स्पेयर लेंगे, इधर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इधर हम मॉडिफाई में चला जाएंगे। मॉडिफाई में जाके हम देखो इधर रेडियस है, रेडियस हम बड़ा कर पाए बड़ा कर सकेंगे, और इधर सेगमेंट्स है। क्लियर। कुछ ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन मैक्स, मतलब इधर उधर करके बहुत सारा ऑप्शन दिया है, कुछ कुछ काम में आता है कुछ कुछ नहीं आता है, सीखने के अनुसार जो लोग जैसे सीखते हैं वो लोग वैसे ही यूज कर सकते हैं। मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आउटपुट। ओके, जिसका आउटपुट जितना अच्छा होगा वो कोई भी दुनिया का हजार टूल यूज कर ले उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसका आउटपुट अच्छा होगा वही ठीक है। ओके, तो आज का वीडियो हम इतना तक रखते हैं, आते हैं अगले वीडियो में।